हेलो एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आई हूँ मैं आप लोगों की सबकी फेवरेट बैंगन भरता की रेसिपी। आइए देखते हैं इस बैंगन भरता को हम किस तरह से बनाते हैं। ये लिया है मैंने एक बड़े साइज का बैंगन, इसी से बैंगन का भरता बनाया जाता है। इस पर एक दो बूंद ऑयल की लगा देंगे और इसको ग्रीस कर देंगे इस तरह से हाथ से। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आप इसको चिकना कर देना है। अब चक्कू की मदद से इसमें बीच बीच में आपको कट लगा देने हैं, और आप चेक भी कर सकते हैं इस तरह से बीच में कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, तो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है इसमें से कि आपको साफ दिख रहा है। इस तरह से मैं चार बीच में चीरे लगा दूंगी इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से, और इसको मैं गैस पर सेकूँगी। ये देखिए चार छिक्के मैंने इस पर लगा दिए। मैंने इस तरह की मार्केट में मिलती है जाली, अगर आपके पास है तो यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट भी सेक सकते हैं। और इसके ऊपर हम गैस के ऊपर इसको डायरेक्ट ऐसे रख देंगे और अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। गैस पे बैंगन को भुनेंगे ना तो आपको बीच बीच में देखिए इस तरह से थोड़ा भुन गया है, इस तरह से अलटते पलटते रहना, ऐसे नहीं कि आप रख के भूल जाएं इसको, तो ध्यान रखें आप आसपास रहें और बार बार इसको अलटते पलटते रहें। ये मैंने लिए दो हरी मिर्च, चार पाँच कलियाँ लहसुन की, और ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और दो टमाटर। तो सबसे पहले हम लोग इसको चॉप करेंगे, तो ये लिया मैंने हैंड चॉपर, इसी में मैं डाल दूंगी लहसुन की कलियाँ। मिर्च को ऐसे बीच में से हम रफली तोड़ देते हैं। ये देखिए मिर्च आप तीखा अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, और जो अदरक है उसको भी इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूंगी और इसको हम चॉप कर लेंगे। ये देखिए पहले मैंने अदरक मिर्च इसलिए की थी कि जब हम बाकी टमाटर और प्याज इसमें डालेंगे ना तो अच्छे से चॉप हो, देखिए छोटे छोटे अदरक हरी मिर्ची वगैरह चॉप हो गए हैं। अब इसी के अंदर मैं डाल दूंगी अपने टमाटर भी काट के, ऐसे ऐसे रफली आप बड़े बड़े पीसेस में भी कट करके डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर। बैंगन के भरते को आप रोटी पराठा चावल किसी के साथ भी खाइए, बड़ा अच्छा लगता है। बिहार में इसको दाल बाटी के साथ खाना लोग पसंद करते हैं, लिट्टी चोखा जिसको कहते हैं उसके साथ खाते हैं। ये देखिए मैंने इसमें प्याज भी कट करके डाला है और इसको भी हम चॉप कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना फाइनली एकदम बारीक बारीक प्याज टमाटर अदरक मिर्ची और गार्लिक का एकदम चॉप हुआ है। आप चाहे तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, देखिए बैंगन बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, आप ऊपर से भी पता चल रहा है इसको। ये देखिए इस तरह से पानी छूट रहा है इसके ऊपर से। अब इसको मैं ठंडे पानी में डाल दूंगी। ये रख दिए मैंने गैस पे कढ़ाई, इसमें डाला एक बड़ा चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल। अब इसमें डालेंगे हाफ चम्मच जीरा, जीरे को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे इसमें। ये देखिए बाकी जो हमने सारी सब्जियां चॉप की है, प्याज लहसुन अदरक टमाटर, ये देखिए जीरा हमारा भून चुका है, और इसमें मिला देंगे और इसको भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बेसिक मसाले जो हम सब्जियों में यूज करते हैं, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आपके स्वाद के अनुसार हाफ चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर, मिर्च भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हरी मिर्च हमने ऑलरेडी डाली हुई है तो आधी चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। और ये देखिए इन सभी मसालों को हम भून लेंगे, क्योंकि अच्छे से इसमें भून जाएंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर, और इसको ढक के कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जब तक हमारा बैंगन भी ठंडा हो गया है तो बैंगन को हम निकाल लेंगे पानी में से, और इसको इस तरह से पील कर लेंगे, इसका छिलका या ब्लैक वाला हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से बड़ी आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से मैं सारे छिलके इसके बैंगन के निकाल दूंगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरा इसका अच्छे से छिलका निकाल दिया है, कहीं पे भी देखिए ब्लैक ब्लैक नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा वॉश कर दूंगी, क्योंकि जो भी ब्लैक वाला कुछ चिपका होगा तो देखिए अच्छे से निकल जाता है पानी के अंदर, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया। ये मैंने चक्कू की मदद से इसको एकदम चॉप कर दिया अच्छे से। ये देखिए ये हमारा बैंगन चॉप होके तैयार है। आइए एक ग्रेवी को देखते हैं। ये देखिए ग्रेवी ने परफेक्टली ऑयल छोड़ दिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। बस इसी वक्त हम इसमें जो हमने बैंगन चॉप किया है वो मिला देंगे। बैंगन का भरता काफी लोगों को बड़ा ही पसंद होता है, अगर आप गार्लिक नहीं पसंद करते आप इसको विदाउट गार्लिक भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर सारा ये बैंगन ट्रांसफर कर दिया है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चालनी में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखिए इन दोनों चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेंगे।
देखिए अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी फ्रेश दूध की मलाई, आप क्रीम का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मलाई नहीं है तो, बस बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगी। ये देखिए एक चम्मच भर के मैं इसमें मलाई डालूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए इससे बहुत अच्छा सा एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, जैसे हलवाई वगैरह बनाते हैं ना बिल्कुल वैसा वाला ही आपको टेक्सचर आएगा। ये देखिए इसको मैं ढक के 2 मिनट कुक करूंगी। आइए सब्जी को देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से तेल रिलीज हुआ इसमें से, आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगी अमचूर पाउडर, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा चौथाई चम्मच, और गार्निशिंग कर देंगे फ्रेश कटे हुए हरे धनिये के साथ। ये देखिए मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। होप यू आपको मेरा बनाया हुआ बैंगन का भरता पसंद आया होगा। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।